नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे 5 शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में। स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक हम डिस्कशन करेंगे उसमें मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की राय नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड आपको चार्ट लर्निंग समझ में आए उसके लिए है, तो आप इसको बाय सेल या होल्ड कंसिडर ना करें। स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट्स है आपको बताना जरूरी है। जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो टेक्निकल के बेस पे है, यहाँ पे फंडामेंटल के बेस पे नहीं है, तो आप ये चीज ध्यान में रखें। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा का आप चार्ट देखेंगे, मैं वीकली चार्ट कर देता हूँ। एलेम्बिक फार्मा का वीकली चार्ट देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे तो 2-3 पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है, पोलन फ्लैग पैटर्न बना है, डार्वा स्पोक्स यहाँ पे बना है एंड साथ में आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल देखने जाएंगे तो चार्ट सेटअप काफी अच्छा दिख रहा है एंड मल्टीपल चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुई है, साथ में वॉल्यूम भी काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है, तो आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो ये स्टॉक आप वॉच आउट कर सकते हो। तो ये था पहला स्टॉक, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है सास्केन टेक्नोलॉजी। सास्केन टेक्नोलॉजी का आप चार्ट देखेंगे तो इसमें 2 साल से एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा था एंड आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड वॉल्यूम भी काफी अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आने वाले टाइम में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो ये स्टॉक भी आप वॉच कर सकते हो। मूव करते हैं तीसरे स्टॉक की ओर। तीसरा जो स्टॉक है उसका नाम है ONGC। इसका चार्ट में मंथली में आपको दिखाता हूं। मंथली में आप इसका चार्ट देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। 2015-2016 का जो लेवल था वो यहाँ पे क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है, तो आप ये स्टॉक भी वॉच कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। नेक्स्ट जो स्टॉक है उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड का देखेंगे तो काफी टाइम से डाउन मूवमेंट कर रहा है एंड कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रॉस ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करी है, जैसे ही यहाँ पे ये रेंज क्लियर करता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है एंड रिसेंटली आप देख सकते हो IT स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट रहा है, तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। एंड आज का फाइनल स्टॉक जोरी एग्रो केमिकल। ये चार्ट आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने ये चार्ट आपको स्टडी करने के लिए शेयर करा था टेलीग्राम चैनल पे, आप सबको पता ही होगा, तो हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टॉक आप देखेंगे तो 2017-18 में काफी अच्छा मूव आया था एंड 2018 से ही उसका डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जबरदस्त मूवमेंट आया था, 690 तक ये मूवमेंट करा था एंड उसके बाद आप देखेंगे तो 50 तक यहाँ पे आ गया था, ऑलमोस्ट 90% जितना ड्रॉडाउन यहाँ पे देखने को मिला था एंड लंबे टाइम से ये कंसोलिडेशन मोड में था 2019 से लेके 2024, तो 3-4 ईयर्स का एक लंबा कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ पे। बीच में आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बिल्डअप होते हुए दिख रहा था एंड अभी जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो आप इसको जरूर स्टडी करें, ये काफी अच्छा चार्ट में दिख रहा है। तो ये थे 5 स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप बने हैं, आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप सबको करना क्या है, आप सबको स्टडी करना है चार्ट का एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है। कोई भी स्टॉक आप बाय करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसमें रिस्क कितना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना है, ये सारी चीजें पता होगी तभी जाके आपको एक क्या है कि एक अच्छा आउटकम मिल सकता है। अगर आप बिना कुछ स्टडी करे ब्लाइंडली आप बाय करोगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी एंड ये 5 स्टॉक आपको पसंद आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।